हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 मार्च दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना फाग और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के इन किसानों के सामने हुआ है भारी संकट, अब प्रशासन से किसान लगा रहे हैं गुहार। किसानों पर पहले ही बारिश, ओलावृष्टि और हवा आंधी ने मुसीबत बरसाई है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के किसानों के खेतों में आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। उनकी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है, इस कारण अब खेतों में ही उन्हें फसलें खराब होने का डर सताने लगा है। दरअसल उनके खेतों के मार्ग पर एक फैक्ट्री मालिक ने एक फैक्ट्री का निर्माण कर दिया है, जिसको लेकर किसान अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की है और निराकरण की मांग की है, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि अब हमारे सामने संकट खड़ा हो गया है। इस फैक्ट्री के पीछे करीब 500 किसानों की खेती है, जो अपनी खेती किसानी कर अपने घर का परिवार का पालन पोषण करते रहें। ऐसे में हमारे साथ न्याय होना चाहिए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। महाशिवरात्रि पर सीएम मोहन यादव जी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा अर्चना, वहीं प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना भी की। महाशिवरात्रि के महापर्व पर सीएम मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मैंने संकल्प लेकर पूजा की है और बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि उनकी कृपा प्रदेशवासियों पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम सभी ये कामना करते हैं कि सभी के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे और हम विकास और संपन्नता की राह पर आगे बढ़ें। इस प्रकार उन्होंने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने को कहा है। राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, यदि आप पीने के पानी से कार धोते हैं या फिर बागवानी करते हैं तो आपको लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों, आपको बता दें कि यह फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। गर्मी का मौसम बस आ ही गया है, इसी के साथ कई स्थानों पर पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अभी से जल संकट गहराने लगा है। इसे लेकर कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब पीने के पानी से किसी ने कार धोया, बागवानी की, निर्माण कार्यों में पानी को खर्च किया तो उन पर जुर्माना लगेगा। अर्थात बोर्ड ने बागवानी करने, गाड़ियाँ धोने, सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, फव्वारे में और रखरखाव के लिए पीने का पानी उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि जिस किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बताते चले कि बेंगलुरु में गर्मी की शुरुआत होते ही हजारों बोरवेल सूख गए हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में शहर के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है, इसलिए पीने के पानी का बेफजूल खर्च रोकने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। शौचालय निर्माण में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार। निर्माण में 14 लाख रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच और सचिव पर केस दर्ज हुआ है। मामला अनूपपुर जिले का है। अनूपपुर जिले के जयथरी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगवा में शौचालय निर्माण के कार्य में सरपंच तथा सचिव द्वारा 14 लाख रुपए से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया गया है। इसके बाद 7 वर्ष के पश्चात इस मामले की जानकारी लगी है। जानकारी लगते ही जनपद पंचायत जयथरी के CEO की शिकायत पर चचाई थाने में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पंचायत में 1130 शौचालय बनाने थे, जिसमें 1016 ही शौचालय बने हैं। बाकी 237 शौचालयों का काम अभी अधूरा है, लेकिन इसका पैसा शासन से ले लिया गया है और इस प्रकार से 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा में ले लिए गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है। जेल में बंद आसाराम बापू की रिहाई की अब मांग उठने लगी है। सिंधी समाज ने कहा है कि बापू निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाए। आसाराम बापू राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को जेल से रिहा करने के लिए फिर एक बार मांग उठने लगी है। दमोह की महिला उत्थान मंडल द्वारा सरकार से मांग की गई है और एक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 86 वर्षीय बूढ़े आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार के लिए रिहाई की मांग की गई है। महिलाओं ने बताया कि आसाराम बापू निर्दोष हैं, उन्हें पिछले 11 वर्षों से जेल में रखा गया है। वे एक झूठे और बनावटी केस की सजा काट रहे हैं, उनको जल्द रिहा किया जाए। शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने जाता था शिक्षक, शिकायत के बाद कलेक्टर ने किया है शिक्षक को निलंबित। मामला बालाघाट जिले का है। बालाघाट जिले में
शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने जाने वाले शिक्षक को बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निलंबित कर दिया। शिक्षक पिछले दिनों शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा था। ग्रामवासियों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया था, उसके बावजूद भी वह स्कूल में गया। इसकी जानकारी पहले से ही शिक्षा जिला अधिकारी को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुनः इसकी शिकायत ग्रामवासियों ने कलेक्टर से की तो कलेक्टर ने आनन फानन में उन्हें सस्पेंड कर दिया। मामला बालाघाट जिले के गर्रा स्कूल का है, जहां पर एक शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने जाता था, अब उस पर कार्रवाई हो गई है। शिवरात्रि के दिन महाकाल दर्शन करने पहुंची हेमा मालिनी जी। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में रोज दर्शन करती हूँ, लेकिन आज हकीकत में मुझे सौभाग्य मिला है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए, जहां उन्होंने सबसे पहले चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने कहा कि फोटो में बाबा महाकाल के दर्शन तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन आज एक ऐसा संयोग बना जब मैं हकीकत में बाबा महाकाल के दर्शन कर सक रही हूँ। पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। पाँचवीं और आठवीं का फर्जी पेपर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने दर्ज कराई FIR। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू यस ने कहा कि ऐसे कृत्यों से परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठते हैं, वहीं विद्यार्थी भी गुमराह एवं हतोत्साहित होते हैं। पाँचवीं और आठवीं की फर्जी एवं भ्रामक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग सख्त है। ऐसे ही एक मामले में राज्य शिक्षा केंद्र ने फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने के मामले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई है, अर्थात फर्जी पेपर वायरल हुआ है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने FIR दर्ज कराई है। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि आप चिंता न करें, आप अपनी परीक्षा दें। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी भी जोर आजमाएगी। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को छतरपुर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने छतरपुर जिले के पार्टी पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करते हुए लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार मंथन भी किया गया, साथ ही प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रत्येक 29 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अब अपने उम्मीदवार उतारेगी, ताकि प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जा सके। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।